वही यूपी के सीतापुर में नैमिष में माँ ललिता देवी मंदिर के दर्शन करने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने माँ ललिता देवी मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके अलावा कई अन्य मंदिरों में भी दर्शन किए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि भूपेश को चिंता छत्तीसगढ़ की नहीं है, लखीमपुर आकर 50-50 लाख रुपए बांटते हैं और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की पुलिस की गोली से मौत हो जाती है, वहां जाकर देखने की फुर्सत नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगले चुनाव वो यहीं से लड़ना चाह रहे हैं। जो इस समय हालात हैं छत्तीसगढ़ के, वो संबल में नहीं रहा है, वहाँ डेवलपमेंट के सारे काम रुके हैं। भूपेश जी को चिंता छत्तीसगढ़ की नहीं है जी, लखीमपुर आगे 50-50 लाख रुपया बांटते हैं जी, और छत्तीसगढ़ में जब आदिवासियों की पुलिस की गोली से मौत होती है तो वहाँ जाके देखने का फुर्सत नहीं है जी। मुझे लगता है कि अगला चुनाव यहीं से लड़ना चाह रहे हैं जी, और जिस हालात है छत्तीसगढ़ के वो संभाल नहीं रहा है, ढाई ढाई साल का झगड़ा चल रहा है जी, और वहाँ डेवलपमेंट के सारे काम उनके हैं जी। यहाँ बड़ी बड़ी बात करते हो, जहाँ जहाँ जाते हैं चुनाव हारे, असम के प्रभारी थे वहाँ चुनाव हारे, और यहाँ तो चौथे और पांचवें स्थान की लड़ाई जी।